सार्थक विश्वविद्यालय में प्राथमिकताओं की बात होती है, किंतु सर्वविदित है कि विश्वविद्यालय खुलता ही छात्रों के समुन्नत विकास के लिए। प्राथमिक हमारे क्या कहिए, प्राथमिक कड़ी, अंतिम कड़ी, जो भी कह लीजिए, वो छात्र हित में ही होना चाहिए। विश्वविद्यालय स्थापित ही किया गया है ताकि छात्रों का समुन्नत विकास हो, छात्र अपने क्या कहते हैं चारित्रिक विकास की तरफ ज्यादा ध्यान दें, इसके लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। गुरु ही लोगों को भेजा गया है, या प्रोफेसर या जो भी कह लीजिए, है कि नहीं, जो कि उनके सर्वांगीण विकास को मतलब सुदृढ़ करे, सर्वांगीण विकास करेंगे। और जहां तक प्राथमिकता की बात है, वो स्टूडेंट ही, उनका कल्याण ही, उनका हित ही प्राथमिक है। ऐसे में उनकी परीक्षाएं है ना, उनका परीक्षा फल, ये सब समय पे प्रकाशित हो, इसकी थोड़ी प्राथमिकता दिया जाएगा। पैट का जो है 2019 का क्लासेस करीब करीब उम्मीद करते हैं 6 महीने हो गए हैं, उसका एग्जामिनेशन जल्दी हो। 2020 का जो ये क्या नाम है पैट लेना है, रिजल्ट आ चुका है एमए का, तो वो परीक्षा हो जाती है, तो फिर इसका हम लोग प्री एडमिशन टेस्ट के बारे में आगे सोचेंगे हम लोग। जी सर, अभी पूरे देश में लॉकडाउन है और उसमें हम लोग, हमारा विश्वविद्यालय भी फंसा हुआ, हमारे छात्र भी फंसे हुए हैं, तो उसमें एग्जामिनेशन भी काफी लेट हो रहे हैं। हाँ। और सर शिक्षक वर्ग नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या ऑनलाइन पढ़ाई की इस तरह कुछ? देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में मैं तो आज कुलपति के पद पर हूँ, इसके पूर्व ई लर्निंग से हमारे विश्वविद्यालय की उम्मीद करते हैं सभी तरह से जो है प्रयासरत है, पढ़ाई कर रहे हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि कोई विषय ऐसा होगा जिसमें कि लोग प्रयास में नहीं। अब एक प्रश्न उठता है कि अब पढ़ने पढ़ाने की जो बहुत से जगह छात्रों को मतलब संसाधन का भाव उसी में तो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन प्रयास में है, तो उससे वो लोग लाभ उठा रहे, ऐसी बात नहीं। हम लोग जो क्लासेस लर्निंग से दे रहे हैं, बच्चों को नोट्स भी दे रहे हैं या क्लासेस दे रहे हैं, उससे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। तब सही माने में कहिए, जो गुरु शिष्य का संबंध है, जो कि छात्र वर्ग में उपस्थित होकर के एक शिक्षक के सम्मुख बैठ करके जो अध्ययन करते हैं, वो तो लॉकडाउन के बाद ही संभव हो गया। अब ऐसे में सत्र का थोड़ा बहुत विलंब होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हमें जहां तक